हाय गाइस, आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 7 और 6s जो 15.8.3 के अपडेट पे रन कर रहे हैं, उन डिवाइसेस के लॉक स्क्रीन से हम किसी भी एप्लीकेशन को कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है आईफोन 11 जो कि iOS 18 के अपडेट पर रन कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ से हम डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। तो आप सभी भी अपने पुराने डिवाइसेस में जो करंटली iOS 15 के अपडेट पे रन कर रहे हैं उनके ऊपर से भी एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हो, बट मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज रहने वाला है जो कि आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करें अगर आप सभी भी पुराने ये दोनों डिवाइसेस यूज़ करें जो 15 के अपडेट पर रन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो रहने वाली है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। सो सबसे पहले गाइस, इस प्रोसेस में आपको शॉर्टकट्स की आपको यूज़ करना है। तो चलिए ओपन करते हैं शॉर्टकट्स की एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है आपके डिवाइस में ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल रहती है, अगर बाई चांस आपने डिलीट करी है तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है फिर से। उसके बाद आपको प्लस के बटन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको ये ओपन ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि सजेशंस पे आ रहा है। अगर आपको ये नहीं शो कर रहा तो ऐड एक्शन के ऊपर टैप करो और यहाँ पर आपको सर्च करना है ओपन ऐप। तो जैसे ओपन ऐप टाइप करोगे आपको यहाँ पर ये एक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर टैप करना है। तो गाइस, यहाँ पर आपके सारी एप्लीकेशंस आपको शो करेगा जो कि आप करंटली यूज़ कर रहे हो अपने डिवाइस पे। जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर ओपन टाइप कर देना है, ओपन जो एप्लीकेशन का नेम है उसको एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको डन के बटन पे टैप कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर ये जो शॉर्टकट है अब क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसे क्रॉस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा ही मैंने ओपन म्यूज़िक का भी क्रिएट कर रखा है। उसके बाद आपको फिर से कोई ना कोई और शॉर्टकट क्रिएट कर देना है, कुछ और जो आपको ऐड करना है। जैसे कि अगर आप कोई और एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हो, ऐसे ही आपको अपनी उस एप्लीकेशन को भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको ओपन कर लेनी है सेटिंग्स। तो यहाँ से आपको जाना है एसेसिबिलिटी, टच के सेक्शन पे जाओगे, एसेसिव टच के ऊपर टैप करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सिंगल टैप, डबल टैप, लॉन्ग प्रेस और 3D टच। तो गाइस, यहाँ से आपको सबसे पहले सिंगल टैप के ऊपर चले जाना है। तो ये है आपके सिस्टम के जो ऑप्शंस आपको शो करता है एसेसिव टच में, वो सब आपको यहाँ पर शो करेगा। ये एसेसिबिलिटी है, ये है आपके स्क्रॉल जेस्चर्स और यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको उस ओपन म्यूज़िक को, ओपन यूट्यूब को आपने सेलेक्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पर मैं ओपन म्यूज़िक को सिलेक्ट करता हूँ सिंगल टैप के ऊपर। अब जैसे मैं अपने डिवाइस को लॉक करूँगा तो यहाँ से मैं सिंपली सिंगल टैप करूँगा एसेसिव टच के ऊपर। तो जैसे सिंगल टैप किया, यहाँ पर यह पासकोड मांगेगा, फिंगरप्रिंट चलता है तो फिंगरप्रिंट यूज़ करो, वरना अपने पासकोड को एंटर करो और डायरेक्टली आपकी वो एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो जाती है लॉक स्क्रीन से। जैसे कि ये म्यूज़िक को मैंने सेलेक्ट करा था सिंगल टैप के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर डबल टैप पे जाऊँ तो यहाँ से मैं किसी और एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि ये। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा यूट्यूब को, उसके बाद फिर से लॉन्ग प्रेस करूँगा, लॉक कर दूँगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर डबल टैप करना है। अब यहाँ से अपने पासकोड को एंटर करो और डायरेक्टली आपकी ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है आपके आईफोन के लॉक स्क्रीन के ऊपर से। तो कैसी लगी ये ट्रिक मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरीके से आप अपनी फेवरेट्स एप्लीकेशंस को आईफोन के लॉक स्क्रीन के ऊपर से ओपन कर सकते हो iOS 15 के अपडेट में। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।